2016 मेरी कहानी शुरू होती है यहाँ से जब मैं मलेशिया आता हूँ। किस्से तो बहुत है जिंदगी के, मेरे समझ में नहीं आता किताब लिखूँ या हिसाब लिखूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए व्लॉग की पहले दिन से। माय फर्स्ट व्लॉग, आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉगिंग चैनल में। माय नेम इज मनीष कुमार और पिछले 5 सालों से मैं मलेशिया में जॉब कर रहा हूँ। गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे शौक है वीडियो एडिटिंग, वीडियो मेकिंग वगैरह वगैरह, जो एक यूट्यूबर के होते हैं। और ये मेरा सेकंड चैनल है, इससे पहले जो मेरा चैनल है वो एक्टिव है। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, और मेरे हर दिन की शुरुआत ऐसी ही होती है दोस्तों, उठना, नहाना, धोना, खाना और जॉब पर जाना। आपको बता दूं कि जब मैंने ये व्लॉग चैनल ओपन किया था तो मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं था व्लॉग्स बनाने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसमें मैंने सीरियसली और हार्ड वर्किंग से काम किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया है यूट्यूब पर काम करते हुए। ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि 1 साल मैंने हार्ड वर्किंग से काम करने के बाद मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ गया। और उससे पहले की बात करूं कि एक्सपीरियंस की मेरे, तो मैंने एक मूवी में काम किया था, वहां से भी मैंने कैमरा फेस करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल गया था और वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। अच्छा व्लॉग बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को पता ही है क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और एक स्टोरी की जरूरत होती है, और क्रिएटिविटी भी आप लोगों ने देख ली, आप लोग अच्छे समझदार है। और रही कॉन्फिडेंस की बात, वो मैं पब्लिक में जाके व्लॉगिंग करूंगा तब आपको पता लग जाएगा थोड़े बहुत कॉन्फिडेंस का, और इतना तो आप देख ही लिया होगा मैं जैसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ। तो कोई बात नहीं, ये इंडोर है, आउटडोर में आपके सामने बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे मूवी से ही कॉन्फिडेंस मिला था। फर्स्ट टाइम जब मैंने मूवी की थी तो उससे मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा इंक्रीज हुआ था। अब जैसे काम करता जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, और कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। कभी आपने सॉन्ग और मूवी के बिहाइंड द सीन देखे, लेकिन जब आप बिहाइंड द सीन देखोगे किसी मूवी या सॉन्ग के, आपको एक ही चीज फील होगी कि ये लोग कितनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन होते हैं उसमें रियलिटी होती है, स्ट्रगलिंग होती है, वो दिखती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि फॉरन में लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं, मैं कितनी स्ट्रगल करता हूं। मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉरन में रहते हैं और इतनी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन कोई नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो एक चीज फील करते हैं कि कहीं उनकी इमेज डाउन ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन। तो गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन सारे आपके साथ शेयर करूं, तो आपको पता ही है क्या करना है, दबा दो रेड बटन को, कर दो प्रेस, और बेल आइकन को भी दबा दो। और एक बात, और मैं मलेशिया घुमाने वाला हूं आपको, सारी जगह, यहां वहां वहां, समझ रहे हो ना गाइज। थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ के बारे में बता दूं, जब मैं मलेशिया या 2016 में,
तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ा गाइस। मैं आपको बता दूँ, मेरी लाइफ के वो सबसे टफ दिन थे, सबसे टफ साल थे मेरी लाइफ के वो, जिसका मैंने बहुत ही स्ट्रगल से मेहनत करके सामना किया गाइस। तो अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे दिन आते हैं, कभी ऐसी मुश्किलें आती हैं दोस्तों, तो डरना नहीं है, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, सामना करो उसका। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।